स्टार्ट किया है? क्यों? कर दिया। हाँ जी, क्लास फाइव हम दोबारा से लेसन स्टार्ट करने लगे हैं, जो रिपीट करने लगे हैं, जो पीछे हमने किया था पेज नंबर 30 HCF हमने किया था, वो दोबारा से हम रिपीट करने लगे हैं। और इसमें मैंने उस दिन आपको बताया था कि इसमें हमने ग्रेटेस्ट नंबर लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, और प्राइम फैक्टर बनाने के बाद हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा वो हमने HCF लेना है। और उस दिन मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि 72 जो है, अगर हम उसको डिवाइड करते हैं तो हमने सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर लेना है। सबसे लोएस्ट प्राइम नंबर जो है प्राइम नंबर्स में, वो 2 है। तो वैसे भी आप देखेंगे कि इस 72 के पीछे जो नंबर आ रहा है वो 2 आ रहा है, तो ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता, स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो 2 है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 3 6 होता है, 1 नंबर बच जाएगा, वो 2 के साथ मैच करके हम इसको 12 बनाएंगे और 2 6 12 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 लेना है, 2 1 2 आ जाएगा, और इसके साथ 1 जो नंबर रह जाएगा वो 6 के साथ करके हम इसको 16 बनाएंगे, और 16 जो है 2 के टेबल में 8 टाइम जाएगा, 2 8 16। उसके बाद 2 9 18 होता है। अब 9 जो है वो 2 के टेबल में नहीं होता, इसलिए इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर जो इसके बाद आ रहा है, 2 के बाद आ रहा है, वो 3 है। तो 3 3 9 होता है, 3 1 3 आ जाएगा। ये हमारे पास इस तरह प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। अब हम एग्ज़ाम्पल लेंगे इसकी HCF फाइंड करने के लिए, 56 140 और 63। ये 3 नंबर्स हैं हमारे पास। जब आपने 4th क्लास में पढ़ा था उसमें आपने 2 नंबर्स लिए थे, उस वक्त भी आपने प्राइम फैक्टर्स बनाए थे, यहाँ भी आप प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे 3 नंबर्स के। अब सबसे पहले 56 जो है उसको आप डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, 2 2 4 आ जाएगा। जो रिमाइंडर रह गया है उसको 6 के साथ मैच करके तो आपके पास 16 आ जाएगा, 2 8 16 आ जाएगा। इसके बाद हम 2 1 2 करेंगे, 2 4 8 होता है। फिर 2 7 14 है, और 7 ये 2 से नहीं जाता 7, तो ये 7 के टेबल से ही जाएगा, 7 1 7 आ जाएगा। इसी तरह 140 का आप बनाएंगे तो 2 7 14 है, 7 0 उतार लेंगे आप। अब ये जो 70 है ये 2 से भी चला जाएगा और 7 के टेबल से भी चला जाएगा। पहले हम 2 से करेंगे, 2 3 6 होता है, 1 नंबर जो रिमाइंडर रह गया है वो 10 बनाएंगे, तो 2 5 10 आ जाएगा। अब 35 जो है ये 5 के टेबल में जाएगा, 5 7 35 7 1 7। इसके बाद है 63, ये 2 के टेबल में नहीं जा रहा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 3 आ रहा है इसका, तो 3 से करेंगे, 3 1 3 2 6 3 1 3। और 21 आ गया हमारे पास, 21 जो है ये फिर 3 के टेबल में जाएगा, 3 7 21। अब 7 रह गया, 7 7 के टेबल में जाएगा, 7 1 7। अब इनके सब के प्राइम फैक्टर्स लिख लेने हमने, 56 140 है और 63 है। इन सब के प्राइम फैक्टर जब लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। नेक्स्ट है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। फिर है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इसमें से हमने देखना है कि कौन कौन से कॉमन नंबर्स आ रहे हैं, तीनों में जो कॉमन नंबर्स आ रहे हैं वो हमने सर्कल कर देने हैं। अब यहाँ पे जो कॉमन नंबर आ रहा है आपके पास, ये 7 आ रहा है, तो आपने यहाँ पे लिख देना है कॉमन फैक्टर 7। और इसी तरह जो आपके पास HCF आएगा
वो भी 7 आ जाएगा। इस तरह आपने सारे सम्स जो हैं वो सॉल्व करते जाना है। ये आपने कर भी लिए होंगे होमवर्क में, लेकिन दोबारा से आपको रिपीट करवा रहे हैं। इसके बाद मैंने आपको एक्सरसाइज दी थी कि एक्सरसाइज जो है पेज नंबर 35, इसका आपने क्वेश्चन नंबर 4 करना है, ये होमवर्क में करना है। तो आपने कर लिया होगा, लेकिन दोबारा से देखें कि अगर आपने कर लिया है तो उसको देखें कि आपने सही किया है, या अगर नहीं सही किया तो दोबारा से ठीक कर लो उसको, ठीक है। ये 4 है, तो 4 जो है 2 के टेबल में जाता है, तो 2 स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है। अब दोबारा ये 2 के टेबल में जाएगा, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2, एंड जो रिमाइंडर रह गया है वो 2 के साथ मैच करके 12 आ जाएगा, 2 6 ज़ा 12। 2 के टेबल में 16 कब आता है, 2 8 ज़ा 16। 2 के टेबल में 4 का 8 कब आता है, 4 टाइम। फिर 2 के टेबल में 4 कब आता है, 2 टाइम। फिर 2 के टेबल में 2 कब आता है, 1 टाइम। इसी तरह आपने 1 48 के बनाने हैं, 2 7 ज़ार 14, 2 4 ज़ार 8। अब ये जो है 4 जो है ये भी 2 के टेबल में जाएगा, इसलिए 2 लेंगे हम, 2 3 ज़ार 6। 1 रिमाइंडर 4 के साथ किया तो 17 आ गया, 2 7 ज़ार 14। अब 37 जो है किसी भी टेबल में नहीं जा रहा, इसलिए इसको 37 को 37 से करेंगे, 37 वन ज़ार। इसके बाद 60 आ जाता है, 60 को करेंगे, ये 2 के टेबल से करेंगे, स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर, 2 3 ज़ार 6, 2 7 ज़ीरो उतार लेंगे। अब ये दोबारा 2 से करेंगे, 2 1 ज़ार 2, और जो रिमाइंडर बच गया 0 के साथ मैच करके 10 आ जाएगा, 2 5 ज़ार 15। अब 15 जो है ये 2 के टेबल में नहीं आता, 3 के टेबल में आता है, 3 5 ज़ार 15। और 5 जो है ये 5 के टेबल में आता है, इसलिए 5 1 ज़ार 5। अब सब के सब आपने जो है इनके कॉमन फैक्टर्स जो हैं वो लिख लेने, 64 के, 148 के और 60 के, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 आपके पास 2 आए हैं, इसके फैक्टर्स बने हैं। नेक्स्ट आपके पास 48 है, इसका कॉमन फैक्टर्स जो है 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 37। इसके बाद आपके पास 60 के कॉमन फैक्टर हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो आपने सर्कल कर लेने हैं तीनों में से। तो पहले आपके पास 2 आ रहा है, नेक्स्ट आपके पास 2 आ रहा है, इसके बाद आपके पास कोई कॉमन नंबर नहीं आ रहा। तो जो आपने कॉमन नंबर्स हैं वो आपने यहाँ पे लिख लेने हैं, कॉमन फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो जो HCF आपके पास आएगा वो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 आ जाएगा। तो इस तरह बच्चे आपने सॉल्व करते जाना है, और सारे सम्स जब आप सॉल्व कर लें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट टाइम आपने बताना है, या आप सेंड कर सकते हैं कि जहाँ पे आपको समझ नहीं आई है। तो नेक्स्ट टाइम आपको जो डिवीजन मेथड है HCF का, डिवीजन मेथड बताया जाएगा। ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ है कि आपने फैक्टर बना के किस तरह की है। तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि डिवीजन मेथड से आपको बताया जाएगा। ओके, स्टे एट होम, स्टे अलाइव, बाय बाय।